मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 5000 व्याख्याताओं की तैयारी चालू कर दी है। दोस्तों, अभी जो मेरे पास में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग से जो सूचना आई है, उस सूचना के अनुसार जो DPC जो है 2013-14, 17-18 और 19-20 के जो है रिक्तियों के अनुसार DPC का पूरा कार्यक्रम जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया है दोस्तों निदेशालय ने। और जिनका चयन जो है DPC के तहत हुआ है उनकी काउंसलिंग का समय भी जो है इन्होंने जारी कर दिया है। ये आप लोगों के सामने काउंसलिंग कार्यक्रम जो है आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, प्राध्यानाध्यापक रिव्यू DPC 2013-14 और 17-18, और नीचे जो लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक DPC 2019-20। तो 2019-20 की जो काउंसलिंग होगी वो आपके 23 तारीख को होगी, और जो है तो मतलब 22 और 23 को जो है DPC वालों की काउंसलिंग हो जाएगी। दोस्तों, इससे सीधा सीधा आसार नजर आया कि इनकी DPC होगी और इनका पदस्थापन होगा, उसके तुरंत बाद जो है व्याख्याताओं की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आज सुबह ही मैंने एक न्यूज़ आपको दी थी कि शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। तो दोस्तों, मेरी न्यूज़ एकदम बिल्कुल सही है। शिक्षा विभाग ने जो है पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए, शिक्षा विभाग ने DPC वाला काम जो है 23 तारीख को जो है DPC वाला कार्यक्रम जो है निपट जाएगा। मतलब इनकी काउंसलिंग होकर इनको पदस्थापन दे देंगे, जो द्वितीय श्रेणी से व्याख्याता बनेंगे उनको पदस्थापन मिल जाएगा। उसके पश्चात जो है जो 5000 व्याख्याताओं का चयन हुआ है, उन 5000 व्याख्याताओं को नियुक्ति जो है उनके रास्ते खुल जाएंगे। इसका मतलब है सरकार ने हरी झंडी दे दी है कि इन व्याख्याताओं को जल्दी से जल्दी, इन 5000 व्याख्याताओं को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। तो दोस्तों, इसी न्यूज़ के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो लगे अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और आने वाले मेरे जो महत्वपूर्ण अपडेट है शिक्षा विभाग से संबंधित, निदेशालय से संबंधित, उन वीडियो के लिए आप लोग जो है तैयार रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।